Hello, good morning students. How are you? Today we are going to learn unit 6, lesson 1, If I were an apple. अगर मैं एक apple होता, ठीक है? एक बहुत ही अच्छी poem है, जिसे हम पढ़ेंगे. If I were an apple and grow on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. अगर मैं एक apple होता तो मैं एक पेड़ पे उगता, पेड़ पे बढ़ता. I think I'd drop down on a nice boy like me. और जब मेरे पेड़ के नीचे एक मेरे जैसा अच्छा बच्चा होता आके बैठता तो मैं उसके ऊपर गिरता, ठीक है? If I were an apple and grow on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. अगर मैं एक apple होता, पेड़ पे grow होता, और जब भी उस पेड़ के नीचे मेरे जैसा एक अच्छा बच्चा आता तो उसके ऊपर मैं गिर जाता. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me my boy. अगर मैं पेड़ पे रह के किसी को खुशी न दे सकता तो मैं क्या करता, नीचे गिर जाता ताकि कोई मुझे उठा के खाए और वो खुश हो जाए. आई वुडंट स्टे देयर यानी कि इस बच्चे को अगर वो एप्पल बनता तो उसे पेड़ पे रहना पसंद नहीं होता. गिविंग न बड़ी जॉय, अगर वो पेड़ के ऊपर ही टंगा रहता तो दूर से ही लोग उसे देखते, लेकिन उसे पाकर जो खुशी मिलती वो खुशी ये बच्चा सबको देना चाहता है. आई फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय, तो मैं अगर एक एप्पल होता तो नीचे गिरता ताकि कोई मुझे उठा लेता और मैं उसे बोलता ईट मी माई बॉय यानी कि मुझे खा लो, क्योंकि मुझे खा के उसे फिर जॉय यानी कि हैप्पीनेस खुशी मिलती. दोबारा से एक बार देख लेते हैं. इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रो ऑन अ ट्री आई थिंक आई वुड ड्रॉप ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय. आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय. अगर मैं एक एप्पल होता तो एप्पल के पेड़ पे ग्रो होता और जब भी मेरे पेड़ के नीचे कोई अच्छा बच्चा आता तो उसके ऊपर मैं गिर जाता क्या ताकि वो मुझे पाकर खुश हो जाता और मैं उससे बोलता कि लो मुझे खा लो, ठीक है? यहाँ पे ये बच्चा ऐसी सोच करता है, सोच रहा है कि अगर मैं एप्पल होता तो. अब यहाँ पे देखो उसके कुछ न्यू वर्ड्स है. एप्पल अ फ्रूट, ठीक है? एक फ्रूट है एप्पल जिसे सेब कहते हैं. बॉय यानी कि लड़का, मेल पर्सन. ईट यानी खाना. ड्रॉप यानी गिरना. और लास्ट है जॉय. जॉय यानी कि हैप्पीनेस खुशी. यहाँ पे देखो, लेट्स रीड. I like to eat an apple. मुझे एप्पल खाना पसंद है. We clap our hands with joy. जब हम बहुत ही खुश होते तो क्या करते हैं, दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं. We clap our hands with joy. अब यहाँ पे देखो उसकी एक्सरसाइज है. Reading is fun. Where is the apple? एप्पल कहाँ है? देखो यहाँ पे कहाँ है एप्पल, ट्री पे है ना. यहाँ पे भी देखो ट्री पे एप्पल है. तो आंसर होगा एप्पल इज ऑन द ट्री, ठीक है? वेयर इज द एप्पल, तो आंसर होगा एप्पल इज ऑन द ट्री. सेकंड ये, वेयर इज द बॉय. अब लड़का कहाँ है ये पूछा गया है. अब देखो यहाँ पे दो लड़के बताए, एक यहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा है, देखो है ना, ये पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा है, और एक यहाँ पे देखो इस पिक्चर में एक लड़का दिया है वो
पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ के लड़के को हम देख के बोल सकते हैं कि बॉय इज ऑन द ट्री, बॉय पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। और यहाँ के बच्चे को देख के हम बोल सकते हैं द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठा हुआ है ना, सोच रहा है। तो यहाँ के बच्चे को देख के हम बोलेंगे द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। इसके ऐसे दो आंसर हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, अगर बॉय को एप्पल लेना है तो वो कैसे लेगा। तो जैसे ही पेड़ के ऊपर से अगर एप्पल ऐसे टूट के नीचे गिर जाए तो वो ले सकता है, या फिर उस एप्पल लेने के लिए यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे द बॉय कैन क्लाइंब द ट्री एंड गेट द एप्पल। ठीक है, बॉय पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और एप्पल लेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और प्रश्न है। लेट्स टॉक, डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल खाना पसंद है। तो अगर पसंद है तो आप लिख सकते हो यस आई लाइक एप्पल्स, अगर नहीं पसंद तो नो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड है हैव यू एवर क्लाइम्ब अ फ्रूट ट्री, क्या कभी आप ऐसे फ्रूट के पेड़ पे चढ़े हो। तो अगर चढ़े हो तो यस आई हैव क्लाइम्ब अ फ्रूट ट्री, अगर नहीं तो नो। ठीक है, यहाँ पे देखो लेट्स शेयर, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी है, यहाँ ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, तो इन वर्ड में से करेक्ट वर्ड चुन के हमें ये ब्लैंक भरनी है। फर्स्ट है आई वर अ बर्ड आई वुड, अगर मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, फ्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लाई। आई वर अ बी आई वुड, अगर मैं एक बी होता तो क्या करता, बस या चिप, तो बस करते हम, है ना, बी होता है वो बस ऐसे उड़ता है ना, तो बस करता कहते बोलते हैं। तो आई वर अ बी आई वुड बस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अल्फाबेट्स है कुछ, आप इसके ऊपर ऐसे लिखोगे। पीछे देखो से अलाउड, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए है एप्पल पीपल रिपल ड्रॉ ग्रो थ्रो ड्यू फ्यू और मेव। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड फन, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर एज क्लू टू फाइंड द फ्रूट्स, यानी कि यहाँ पे जो ये फ्रूट्स के पिक्चर बने हैं ना वो क्लूज है, तो इन फ्रूट्स को देख के हमें उनके यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स है वो लिखने हैं और एक फ्रूट का नाम बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट है ये क्या कौन सा फ्रूट है, ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ ओ आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए एन हमें लिखना है और जी ई ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग होगा ऑरेंज का ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ठीक है, सेकंड है ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स। थर्ड वन इज एम ए एन जी ओ मैंगो। फोर्थ है बी एन ए बनाना। फिफ्थ है ए डबल पी एल ई एप्पल और सिक्स है पी ई ए आर पेयर। ठीक है, ये पैर है, तो ये हो गए फ्रूट्स के नाम। अब यहाँ लास्ट में देखो विच इज योर फेवरेट फ्रूट, आपको कौन सा फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है वो लिखना है उसका नाम। से व्हाई यू लाइक इट, क्या अब आपको ये भी लिखना है कि ये आपको फ्रूट क्यों पसंद है। ठीक है, तो ये आंसर आपको खुद से लिखना होगा, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और आपको वो फ्रूट
क्यों पसंद है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये यूनिट यहीं पर फिनिश होता है, सॉरी लेसन यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। चलो तब तक के लिए बाय।